अगर आपके घर का एक महीने का बिजली बिल 8 लाख के करीब आए, सुन के आप हैरान हो गए हैं ना। जी हाँ, पानीपत के एक परिवार का बिल, बिजली बिल जो है वो एक महीने का तकरीबन 8 लाख रुपए आया है, जिसके बाद इस परिवार ने बिजली विभाग से गुहार लगाई, लेकिन बिजली विभाग के कान पर जू तक नहीं रेंगी, जिसके बाद इस परिवार ने जो रास्ता अपनाया वो हैरान करने वाला है। देखिए आप भी ये रिपोर्ट। हरियाणा के पानीपत में बिजली उपभोक्ता ने अनोखा प्रदर्शन किया। बिजली निगम ने उपभोक्ता को 7,79,000 रुपए का बिजली बिल थमा दिया, जिसके रोष स्वरूप उपभोक्ता भैंस को बिजली निगम कार्यालय लेकर पहुंचा, जहां उसने भैंस के आगे बीन बजाई। उपभोक्ता ने बिजली का ज्यादा बिल आने पर प्रदर्शन का ये तरीका अपनाया। 7,79,000 रुपए का बिजली बिल आने पर उपभोक्ता गोहाना रोड स्थित बिजली निगम कार्यालय में भैंस को लेकर पहुंचा, जहां पेड़ से भैंस को बांधी और उसके आगे बीन और ढोल ताशे बजाए। उपभोक्ता का कहना है कि बिजली निगम के अधिकारी भी उनकी कोई फरियाद नहीं सुनते, इसके बाद अब वो निगम में भैंस के आगे बीन बजाने पर मजबूर हो गए हैं। आए हमारे हरियाणा में कहावत है भाई, भैंस आगे बीन बजावा मटर मटर लिखावा, तो ये अधिकारी भी ऐसे ही हैं, ये बात हमारी सुन नहीं रहे हैं। तो इनको जगाने के लिए कि कुछ शर्म के हमारे इनको कुछ सुध आ जाए, परमात्मा इनको बुद्धि दे दे भाई, ये लोगों की आवाज़ सुने, जो बेचारे पीड़ित हैं, जो दुखी लोग हैं, उनकी आप लोगों के माध्यम से आवाज़ जाए और उस पर कोई ना कोई एक्शन हो कि इन ऐसे ऐसे लोगों की पुनरावृत्ति ना हो जो पीड़ित हैं बेचारे, जो दुखी। देखिए परिवार ये बहुत ही पिटिएबल कंडीशन में है, बीपीएल परिवार है, सरकार ने खुद घोषणा की है बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीब व्यक्ति हैं, और उसका जो 3 बल्ब और 3 पंखे चलाता है, आप कल्पना करके देखिए 500-600 रुपये का आ जाएगा, कितना बिल भरेगा बेचारा। तो अब इन्होंने क्या किया, और गजब के अधिकारी के सामने भी झूठ बोल रहे हैं, जो उसके क्लर्क हैं, 2016 की रसीद निकाल के दे दी हमें भाई, 2016 के बाद नहीं मेरा, अरे भाई मेरे भर तो इन्होंने 21 में भी रखा है, वो रसीद हम दिखा रहे हैं। अब ये सोच के देखिए, मतलब किस तरीके का भ्रष्टाचार है, ये ऑर्गेनाइज्ड करप्शन है, सभी की मिली भगत से है, राजनेता शामिल है इसमें, बिल्कुल सुनेंगे आप, मुझे पूरा विश्वास है, जो मेरे मीडिया वाले साथी हैं उन भाइयों पे हमारी वो आवाज़ उठा रहे हैं, तो इस पर जरूर रिलीफ मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। कम अब ये कह रहे हैं कि ये 8 लाख तो गलत आ गया जी, अब ये 92,000 है, अरे भाई ये 92 भी क्यों है, पहले 10,000 कर दिया था, साइन करके दे दिए, ये देखिए सीए साहब ने, अब ये 92 हो गया, फिल्म चल रही है क्या भैया, जो तुम्हारी आवाज़ परमात्मा की आवाज़ है, जो तुमने लिख दिया वही है। हमारा 8 लाख के करीब बिल है जी, गरीब आदमी है, बीपीएल से मेरा वो है कार्ड है, और भैंस लेके इसलिए आए हैं भाई, चलो भैंस के आगे बीन बजाएंगे, कुछ सुनाई होगी, तो सुनी बीन, बीन तो सुन ली, लेकिन देखो ये अमल करेंगे जब की बात है जी। आप कोई फैक्ट्री वैक्ट्री लगा रखी है कोई गुप्त? ना जी कुछ नहीं जी, 3 लाख बिल दे, मैं ये कह रहा हूँ जी, मेरा तो बाहर वाला बाउंड्री वाला मेन गेट भी नहीं है जी, फैक्ट्री कहाँ से लग जाएगी, 3 कमरे हैं, 3 बल्ब और 3 पंखे हैं बस, ये लोड कितने वाट का लोड आपके में? कितना का? 1 किलो, 1 किलो, 1 किलो, 1 किलो। तो फिर ये क्या कह रहे हैं, 9 लाख क्यों भेज दिया ये 8 लाख? ये इनका भरना पड़ेगा जी, आपके पास आपने बिल भर नहीं रखा, तो भरोगे फिर? कहाँ से भरेंगे, हम तो अपनी किडनी बेचते हैं, अपना शरीर तो बेच सकते हैं, और तो कुछ है नहीं मेरे पास, इतने मजबूर हैं जी, अपना शरीर बेच सकते हैं, उससे पूरा नहीं हो तो मेरा जो बच्चे सिर लगाने जोगा बना रखा वो मकान भी ले लो। इतनी 8 लाख बिल आया, देख के क्या कैसे क्या लगा? मेरे को तो रात को नींद भी नहीं आती जी, एक तरफ जहां दिन भर CGRF का खुला दरबार लगाकर बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उपभोक्ता ने बिजली निगम कार्यालय में दिन भर बीन बजाकर प्रदर्शन किया। इधर एक महिला उपभोक्ता बिजली निगम का धन्यवाद करने के लिए बैनर बनवा कर लाई थी, बैनर में लिखा था बिजली निगम का कोटि कोटि धन्यवाद। महिला ने बैनर में नीचे लिखवाया कि बिजली निगम इतना बिल भेज दिया है कि अब उसे अपनी किडनी बेचनी पड़ेगी। बिजली उपभोक्ता बाला देवी ने कहा कि बिजली निगम बिना रीडिंग लगातार लाखों का बिल भेजने का काम कर रहा है, इतने भारी बिल को ये कैसे अदा कर सकती हैं। लाखों का बिल देखकर बाला देवी ने कहा कि अब उनके पास बिजली बिल का भुगतान करने के लिए किडनी बेचने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है।
कितना बिल आया, आप कहाँ? 8 लाख आया भाई, भर नहीं सकते हम 1 रुपया भी। मजदूर मानस है, कोई नहीं सुन रहा। हम 20-25 दिन हो पहला भी आए थे, हाँ मारी सुनाई नहीं करे। मजदूर है, 200 रुपये ले आवा, घर जाकर देख लो मारा, ना कोई चक्की ना कोई गंडासा ना कोई भाई, मारा बिजनेस चल रहा। हाँ मैं नुए आए, हम बिल नहीं भर सकते, अपनी किरणी बेच सका। क्या क्या लेके आए आप? हम नुए ले आए हैं भाई, मारा पंडा छूट जाएगा, बस हम बिल नहीं भर सकते। हम अपने जान फैक्ट्री लगा रखी है? नहीं कोई फैक्ट्री नहीं है हमारे। 8 लाख कैसे दे दिए? के पता जी, इन्ना बेरा बिजली आ ना, इतना बेईमान हो रहे हैं, सुन भी नहीं रहे हमारे। कि रूटीन की गलतियां हैं कि भाई बिल किसी कंज्यूमर का गलत चला गया, उसको ठीक करने के लिए हमारा ऑफिस प्रयास भी कर और कर भी रहा है, लेकिन जनाब को बड़ी जल्दी होती है कि भैया यहाँ की कोई गलती मिले और मैं यहाँ ढोल बजवाऊँ, सिर्फ और सिर्फ बिजली बोर्ड की सरकार की छवि ख़राब करने के लिए। ये सरकार की छवि ख़राब करने के लिए ही सारा काम कर रहे हैं वहाँ से। जो कंज्यूमर को ये लेके आए थे हमारे पास, अगर कोई कर्मचारी काम नहीं कर रहा था तो उनको मेरे से मिलने तक नहीं दिया है। यहाँ से उनको कैप्चर करके लेके गए हैं, बैनर छपवाए गए हैं और फिर ये सारा ड्रामा रचा गया है। उन कंज्यूमर तो बेचारा मेरे से आके दोबारा मिलने शिकायत भी नहीं कर पाया कि भाई कोई कर्मचारी मेरा काम नहीं कर रहा है। सर आज जो बिल आपका बताया कि उसके अंदर दिक्कत थी बिल में, तो उसकी सेंट्री वगैरह बता रहे पहले? हाँ वो बिल तो हमने ऑलरेडी 3 दिन पहले ठीक होने के लिए हेड ऑफिस में हमने उसकी सेंट्री लगा रखी है बैक ऑफिस के लिए। तो आज जो ये सारा प्रोग्राम रचा गया है कि इनको नहीं पता था कि कंज्यूमर ने हमारे पास कोई इस तरह की दरखास्त दे रखी और हमने उसका ऑलरेडी काम कर रहे हैं। पानीपत से रवि सूद की रिपोर्ट। खास खबर हो या सवाल आपका, हम दिखाएंगे आपको विश्वसनीय खबर, इसीलिए हमारे सभी पेजों को करें लाइक शेयर सब्सक्राइब ताकि सभी अपडेट आपको मिले सबसे आगे सबसे पहले। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम, एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें, जिम्मेदारी जितनी शासन की उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज सबसे आगे।